हेलो, कंटिन्यू करना चैप्टर को। आज हम पहले नोटिंग करेंगे, उसके बाद कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक बार रिवाइज करते हैं, पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग पर आए, हमने चैप्टर को देखा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टू, यानी कि सब बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की ही कर रहा है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो हमने देखा कि हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन के ही दो पार्ट होते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे राइट्स के बारे में बात कर रहे, दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे, जो कि क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है? फिर हमने क्या क्या देखा, फिर हमने देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट फॉलो करती है। पार्ट फोर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर में वो गाइडलाइंस लिखी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करती होती हैं। और ये ऐसे नहीं थी कि एक पार्ट फोर में पूरा पैराग्राफ बना डाला, नहीं, बर्ड्स वाइज एक प्रॉपर रेफरेंस देके आर्टिकल वाइज लिखी गई है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक की सारी डायरेक्टिव पॉलिसीज लिखी गई हैं, ठीक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, ये केवल दो ही कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में और आयरलैंड में, ठीक है? सर, इनको बनाने की हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली, यूएन चार्टर से मिली, BDHR से मिली और गांधी जी के थॉट से मिली। फिर क्वेश्चन आता है, सर इम्पोर्टेंट है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल? हाँ, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। इसमें दो चीज़ आती हैं बेसिकली, दो चीज़ आती हैं बेसिकली। अगर मैं आपको नोटिंग कराऊँ तो मैं यहाँ पे एक थर्ड चीज आती है। पहली की बात तो डिफरेंस, किस किस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, वर्सेस फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो मैं ज़्यादा डिफरेंस आपसे पूछ ही नहीं रहा, मेरे को एक दो डिफरेंस ही बता दो आप केवल। बताओ, पहला तो आपने बोला कि इसमें पहला पॉइंट, अगर आपने इसको बताया मेरे को क्या, कि ये जो होते हैं ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, ओके, नॉन जस्टिसेबल ये हैं, ठीक है, आपकी बात से मैंने एग्री किया। और ये वाले, ये जस्टिसेबल हैं, अच्छा, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं, इनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। आपको भी याद, उनसे ही मैंने होमवर्क में दिया था ये कल आपको याद करने के लिए, एक जस्टिसेबल होते हैं। फिर हमने देखा था, क्या देखा था, कि ये पार्ट फोर में कवर होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये पार्ट थ्री में कवर होते हैं। डिफरेंस तो डिफरेंस ही है, ठीक है? और कुछ आपको याद आ रहे हैं? सर ये ऑलरेडी लिखे हैं, फिर क्यों लिखवा रहे हो? मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, यहाँ पर बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स से आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। ये रिवीजन में तो आपको केवल इतना सा पढ़ लिया काफ़ी है, इतना सा पढ़ लिया काफ़ी है। आप पूरा पढ़ोगे तो टाइम भी वेस्ट होता है और मतलब लॉजिकल भी नहीं है, अगर आपका थोड़ा पढ़ के रिवाइज हो रहा है तो। और स्पीड भी तो आपको बढ़ानी है,
अब एट दी एंड जब एग्जाम आएंगे तब सारे चैप्टर में सारे चैप्टर के पूरा पूरा थोड़ी पढ़ोगे, तो आपको चाहिए इस तरह के नोट्स कि आपका एक ही लाइन पढ़ के, एक शब्द पढ़ के आपका रिवाइज हो जाए। एक चैप्टर में मुश्किल से मुश्किल 1 आवर लगना चाहिए, उससे भी कम हाफ एन आवर में एक चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना पड़ेगा, नोट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे आपको, माइक्रो नोट्स। 2 सेकंड रुकना ज़रा, आपको साउंड आ रहा होगा, ठीक है? तो पहले पॉइंट ज़रा याद करूँ। पहला पार्ट 4 हमने लिख ही लिया, जॉन जस्टिस और हमने लिख ही लिया। फिर हमें लिखना क्या मीनिंग, इनका मतलब क्या होता है। ये केवल किसके लिए होते हैं, गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए, ठीक है। इनका एम क्या होता है, वेलफेयर। इनका एम क्या होता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो पहले ही 2 पॉइंट लिखें, ठीक है। ये इनका एम क्या होता है, इनका एम क्या होता है, इनका एम क्या होता है, इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना। इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। और यहाँ पर क्या है, एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टेट बनाना, ठीक है। वहाँ पे क्या है, वेलफेयर, यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल, ठीक है। दे आर मेंट फॉर गवर्नमेंट, दे आर मेंट फॉर, इनका जो मीनिंग होता है बेसिकली, इनका जो मीनिंग होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो मीनिंग निकलता है वो किसके लिए निकलता है, गवर्नमेंट के लिए। इनका जो मीनिंग निकलता है वो किसके लिए निकलता है, इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, यानी पब्लिक के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब स्पेशल राइट्स। ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं प्रिविलेजेस फॉर सिटीजन। पॉइंट 1 ये हो गया, पॉइंट 2 ये हो गया, ठीक है। क्रिएट प्रिविलेजेस फॉर सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स, ठीक है। 2 सेकंड रुको। क्रिएट प्रिविलेजेस फॉर सिटीजन्स, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, इनका काम करते हैं एंजॉय करना उन प्रिविलेजेस को, ठीक है। और यहाँ पे इंडिविजुअल्स की जगह वर्ड लिख लो, बेटर रहेगा, सिटीजन्स, हाँ सिटीजन्स के लिए होते हैं ये। और सिटीजन्स के लिए किस लिए होते हैं, टू एंजॉय सच प्रिविलेजेस, है ना, टू एंजॉय प्रिविलेजेस। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, और क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनके बीच में। 2 पॉइंट रह गए हैं। पहला, ये क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, केवल केवल क्या देते हैं, केवल डायरेक्शन, एक ऑब्लिगेशन नहीं है, ये डायरेक्शन देते हैं। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। यहाँ पर स्टेट को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, अब वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इनका स्कोप वाइड होता है, उनका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। नोट कर लो, हम बात कर रहे हैं स्कोप की, हम बात कर रहे हैं स्कोप की। तो इनका स्कोप वाइडर होता है, इनका स्कोप लिमिटेड होता है, ठीक है।
एक लास्ट पॉइंट जो है सिक्स वाला, ये क्या देते हैं, मेयर, मेयर मतलब ओनली, मेयर मतलब ओनली, अगर आपको नहीं पता तो लिख लेना, मेयर मतलब ओनली। ये मेयर क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, क्या करते हैं डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन है गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। टू स्टेट है ना, टू स्टेट, और वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी पब्लिक के फेवर में है ये, और गवर्नमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन टू कवर स्टेट है ना, ये सिक्स पॉइंट्स हैं आपके बेसिकली डिफरेंसेस के, ये आप लिख लो, ठीक है। अगर आपको हो गया तो अच्छा होता, नहीं हुआ तो एक बार आप जल्दी से लिख लो, वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो और सोचो कि नहीं हो जाएगा, नहीं से ना, नोट करते आपको चलना है, नोट करते आपको चलना है, ठीक है। हम आते हैं इंपॉर्टेंस पर, हम आते हैं इंपॉर्टेंस पर, तो इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, नाइन, नाइन की नाइन हम जल्दी से नोट करते हैं। पहला क्या, पहला ये वादा है, पहला ये क्या है, वादा है हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए वादा है। दूसरा ये गाइडलाइंस देती हैं कि किस तरह से लॉ पॉलिसी वगैरह बनानी चाहिए। दूसरा ये मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं हमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। दूसरा ये डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि वो कैसे वेलफेयर स्टेट वाला गोल जो है अचीव करें। दूसरा में थोड़ा नॉलेजेबल बनाते हैं रिगार्डिंग कि हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलिटिशियन से जिनको हम वोट देते हैं। दूसरा ये कोर्ट को भी क्या करती हैं, डायरेक्ट करती हैं, कोर्ट को भी क्या करती हैं, डायरेक्ट करती हैं रिगार्डिंग सेफ गार्डिंग ऑफ आर राइट्स, है ना। पब्लिक ओपिनियन को भी सपोर्ट देता है इंटरेस्ट को, तो इनसे क्या होता है सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्लियरली मेंटेन रह पाता है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को क्या कर देता है, प्रिवेल करा देता है ओवर आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसका भी रीजन क्या था वो आपको बताइए, क्वेश्चन भी क्लास आपने क्या भी होगा। तो एक है प्लेज, एक है आपका गाइडलाइंस, एक है आपका परफॉर्मेंस, एक है आपका डायरेक्शंस, ठीक है। लेकिन मैं आपको नॉलेज लिख लूँ, नॉलेज आपको कैसे याद रहेगा, आपको कैसे याद रहेगा, एजुकेट लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी डायरेक्शंस हैं, फिर यहाँ पब्लिक इस वाले पॉइंट को भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अमेंडमेंट है, एक क्या है अमेंडमेंट है, कैसा रख सकते इसको, पार्ले जी खा, हाँ तो पार्ले जी के पापड़ जी खा लेना, पापड़ जी, पापड़ से स्पेलिंग, और पापड़ की थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर लेना, PAPED, PAPED नहीं, PAPED, डबल डी है ना, पापड़ जी, कैसे याद करोगे इसको, मतलब ये का मतलब, अरे प्लेस वादा है ये किसी का, ठीक है, अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसका पी का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो, परफॉर्मेंस ये मतलब आपको एनलाइट करते हैं, आपको नॉलेज करता है, आपको आपको एजुकेट करता है, ठीक है, ठीक है।
डी मतलब डायरेक्शन देता है स्टेट को, डायरेक्शन देता है ये कोर्ट को, ठीक है। और जी मतलब क्या करता है, गाइडलाइंस देता है, क्या देता है, गाइडलाइंस देता है, ठीक है। तो हम इसकी इम्पोर्टेंस लिखते हैं, हम इसकी क्या लिखते हैं, इम्पोर्टेंस लिखते हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक है ये, इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसकी एक ट्रिक हमने बनाई है, तो उस ट्रिक को जरा लिख लेते हैं। पापड़ जी है, पापड़ जी के इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, लिखते हैं इसको, है ना। ये क्या है, ये बेसिकली प्लेज है, ये क्या है, बेसिकली एक प्लेज है। दूसरा एक अमेंडमेंट है, ठीक है। फिर क्या है, बेसिकली एक और पी का मतलब क्या था, हमने देखा था यहाँ पर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजर करने में क्या करता है, परफॉर्मेंस मेजर करने में क्या करता है, हेल्प करता है, परफॉर्मेंस मेजर करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, एजुकेट करते हैं हमें, एजुकेट करता है, ठीक है। रिगार्डिंग व्हाट, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस, जिसको हम वोट देते हैं, जिसको हम वोट देते हैं,
हम पॉलिटिक्स से हैं ना। पॉलिटिक्स से नहीं, ठीक है। ढोल मतलब क्या करता है? ये बेसिकली जनरल डायरेक्शन, जनरली क्या है, जनरल डायरेक्शन से है। ये सेम सिर्फ क्या है, डायरेक्शन से है। किसको डायरेक्शन से है? टू स्टेट। यहाँ पे बार स्टेट का मतलब क्या, स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट है ना। ये भी क्या है, ये भी डायरेक्शन है। ये भी डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन किसको है? डायरेक्शन टू कोर्ट। डायरेक्शन टू कोर्ट हम सार तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, नहीं तुम्हारा शॉर्ट रहेगा कैसे। ये डायरेक्शन टू कोर्ट है। किसके रिगार्डिंग अगर जनरली बात की जाए तो, जो जो सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करने के जो राइट्स हैं बेसिकली, है ना, उसके बारे में बात की जा रही थी। और यहाँ पर क्या है, ये गाइडलाइंस है। ये क्या है, गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस किसके लिए? गाइडलाइंस टू स्टेट फॉर मेकिंग लॉज एंड ड्राफ्टिंग, फॉर मेकिंग रूल्स एंड मेकिंग लॉज एंड ड्राफ्टिंग रूल्स फॉर, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गई यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 9 पॉइंट से 8 थे। अच्छा ठीक है, एक हमने छोड़वा दिया जो इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट था, ठीक है। ठीक है, याद करते या नहीं आपको सारे के सारे, ठीक है। इसलिए मैं लिखवा भी रहा हूँ और फिर वो ट्रिक वगैरह बनवा रहा हूँ, सब याद करके आओ, ठीक है। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे, ठीक है। तब तक अपना याद करके रखना, ठीक है।